हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहर बैंकर, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। और आज बात करते हैं हील पेन की। हील पेन का जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी, दैट इज कॉल्ड प्लांटर फेशियाटीज। और प्लांटर फेशियाटीज क्यों होता है कि जो फुट का आर्च है वहाँ पे नीचे हील बोन के पास एक थिक बैंड जिसको प्लांटर फेशिया कहता है, वो प्लांटर फेशिया अटैच होती है। और ये जो प्लांटर फेशिया होती है वो ज़्यादा फुट की जब यूज़ करते हैं, जब ज़्यादा दौड़ते हैं, रनिंग एक्टिविटी या जंपिंग एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, या ऐसा हुआ कि आप रूटीन एक्टिविटी तो कर रहे हैं बट कहीं पे जाके आपको ट्रैकिंग करना है या घर पे कुछ काम आ गया, तो ज़्यादा वो 10-15 दिन आपने फुट जो मूवमेंट ज़्यादा हो गई, तो प्लांटर फेशिया स्ट्रेच होता है। और स्ट्रेच होने की वजह से वहाँ के उसके जो थोड़े फाइबर्स हैं वो फाइबर्स में रप्चर होता है, उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। और ये इन्फ्लेमेशन अगर 3 महीने के अंदर सब्साइड नहीं हुआ, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन विच इज कॉल्ड प्लांटर फेशियाटीज। अब ये प्लांटर फेशियाटीज के अंदर पेशेंट को ज़्यादातर कंप्लेन क्या रहती है कि जब मॉर्निंग में पूरा 6-7 घंटे के आराम के बाद जब फर्स्ट स्टेप नीचे रखते हैं बेड से, तो बहुत ही पेन रहता है। दैट इज अ क्लासिकल हॉलमार्क ऑफ द प्लांटर फेशियाटीज। यही पेन अगर वो 30-40 मिनट्स के लिए रेस्ट करते हैं सोफे पे, टीवी देखते हैं, उसके बाद जब खड़े होते हैं तभी वो पेशेंट को ऐसा ही पेन रहता है। सो दीज ऑल आर द हॉलमार्क साइन ऑफ द प्लांटर फेशियाटीज। एंड व्हाट वी डू इट, कि जैसे हम हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं वैसे ही हम ये हील की एंजियोग्राफी करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी जगह पे ये इन्फ्लेमेटरी जो केमिकल्स हैं जिसको साइटोकाइंस कहते हैं, ये साइटोकाइंस रिलीज हो रहा है और वहाँ पे हम एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स इंजेक्ट करके ये उसकी जो साइटोकाइंस रिलीज रोक देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी पेन रिलीफ मिल जाता है और ये रूट कॉज जो इन्फ्लेमेशन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। सो दिस इज लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर एंड दिस इज मोस्ट एडवांस प्रोसीजर फॉर हील पेन फॉर प्लांटर फेशियाटीज। थैंक यू सो मच।